से अंदर मिलता है हमको ये हेलमेट का बॉक्स और यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर बने और देश को आगे बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका टाइटल आप लोगों को दिख ही गया होगा कि क्या है। और ये है वो बॉक्स जिसके अंदर है सीक्रेट, तो इसको हम करेंगे अभी अनबॉक्सिंग। ये देखिए कि इसका सील जो है वो भी चारों तरीके से बंद है, पूरा पैक है। तो इसको हमने कर लिया था सैनिटाइज और रख दिया था इसको अच्छे से सूखने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं इसको हम अनबॉक्स। दोस्तों इसके से अंदर मिलता है हमको ये हेलमेट का बॉक्स और यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर बने और देश को आगे बढ़ाएं। ये है दोस्तों, ये दिखता है इसके अंदर से हमको हेलमेट जो कि है सीक्रेट। ये देखिए इसको ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम। ये देखिए, ये मिलता है एक और वाइट पॉलिथिन के अंदर, बैग के अंदर, जो कि है इसका ब्रांडिंग वेगा डिज़ाइनर हेलमेट्स। तो आइए इसको भी निकाल के देखते हैं हम। तो ये ऐसा दिखता है दोस्तों, कुछ ऐसा है ये हेलमेट। तो ये है दोस्तों उस बॉक्स के अंदर से और बैग के अंदर से निकला है ये हमारा हेलमेट। और ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा कुशनिंग कर रखा है चारों तरफ ऊपर नीचे, तो अच्छा हेलमेट है। और इसमें जो एक प्राइस टैग भी लगा हुआ है वो है कुछ इस प्रकार से। ये है देखो कितना प्राइस लिखा हुआ है इसमें, 2096, और लगभग इतने का ही मेरे को मिला है ये। तो इसके साथ ऑर्डर किया था दोस्तों एक ये हेड कवर। और ये जो हेलमेट है इसका एक और ऑप्शन में आ रहा था ये कि उसके साथ हम अपना लॉक ले सकते हैं, पर लॉक मैंने नहीं लिया क्योंकि लॉक भी सेफ़ नहीं है आजकल। अच्छा लॉक लेंगे वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने ये हेड प्रोटेक्शन का मंगवाया है ताकि इसके नीचे हम पहन सकें, क्योंकि बालों में भी बहुत खुजली हो जाती है अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, रुमाल वगैरह लगाएंगे। तो ये है, इसका प्राइस लगभग 150 रुपीज़ में मिला है मेरे को ये। तो इसको निकाल के देखते हैं। और इस पर कुछ लिखा हुआ है कि हेड प्रोटेक्शन और वेंटिलेशन है इसका, स्वेट एब्जॉर्बेंट है, अपने आप पसीने को सोख लेगा। वो तो पता चलेगा बाद में कि कितना सोख रहा है नहीं सोख रहा है जब हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा जो भी हम इसको पहन के हेलमेट के नीचे रह सकते हैं, ऐसा कुछ है। ये देखिए अभी गर्मी बहुत है तो मैं इसको पहन के नहीं दिखा सकता, बाकी जब बाइक पे जाएंगे तो देखेंगे इसको पहन के। ये ऐसा कुछ है, वेगा का ब्रांडिंग है इसके ऊपर, तो ये मिला है। तो दोस्तों ये हेलमेट क्यों मंगाया है, क्योंकि जो मेरा पुराना जो मैं पहले हेलमेट यूज़ कर रहा था रॉयल एनफील्ड का जो स्टॉक हेलमेट आता है वो मॉल में से कोई उतार ले गया। एक टाइम के लिए मेरे मन में ऐसा आया कि भाई मेरा उतार लिया तो मैं भी किसी का उठा लूँ, पर ये है भगवान ऊपर देखने वाला है, जो लेके गया है सर पे लगा के उसका भगवान उसका सर बचाए, प्रोटेक्शन करे। तो जब हेलमेट चोरी हुआ तो उसके बाद मैं ये वाला हेलमेट यूज़ कर रहा था जो कि एक्टिवा का हेलमेट है बेसिकली। इससे क्या है कि बिल्कुल मतलब गर्मी से बिल्कुल भी जो गर्म हवा है वो सीधी इसके नीचे से घुस के आती थी, पर ये वाला जो हेलमेट है इससे हमारा पूरा प्रोटेक्शन होगा। और ये यहाँ से पूरा फुल स्क्रीन हेलमेट है। तो ये है भाई इसके नीचे देखो, एक तो इसका ये मेन वाइज़र तो है ही, उसके नीचे हमको एक सनग्लास टाइप मिलता है कि अगर हमारे पास चश्मे वगैरह नहीं हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सूरज की किरणों से हमको ये बचाएगा। तो ये है, ऐसा है इस हेलमेट का स्ट्रक्चर। और अंदर से अगर मैं दिखाऊं इसका कि क्या फोमिंग वगैरह है, तो ये देखो
अंदर पूरा अच्छे से इसका फॉर्मिंग हो रखा है। और ये देखिए, जब कभी मोटो व्लॉगिंग का शौक चढ़ेगा तो इसके यहाँ पे एक हम ड्रिल करके यहाँ पे गोप्रो का जुगाड़ बिठा देंगे ड्रिल करके। अभी तो है नहीं, तो इसीलिए अभी इसको ऐसे यूज़ करेंगे। जब मोटो व्लॉगिंग करना होगा, यहाँ से अंदर से ड्रिल हो जाता है, मैंने एक आधा वीडियो देखा था, तो इसमें हम आगे माउंट करके अपना गोप्रो लगा सकते हैं। तो मैंने भाई ये जो साइज़ मंगवाया है, ये एम साइज़ हेलमेट है, और एम साइज़ हेलमेट है, पहन के दिखाएंगे कि फ़िट है या नहीं है। तो अभी के लिए तो ये पूरा फिट दिख रहा है मेरे को, और गर्म हवा से भी ये पक्का बचाएगा, और पूरा स्टडी है, सेफ रहेगा सर अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है माइनर। तो अभी के लिए इसको निकाल के रख देते हैं, और पूरा रिव्यू इसको इसका दूंगा एक आधा राइड के बाद, के अंदर वेंटिलेशन कैसा है इसका, हवा मतलब पास हो रही है या नहीं, इन वेंट से पास हो रही है या नहीं हवा, पूरा रिव्यू दूंगा इसके बाद एक आधा राइड लेके। तब तक के आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देख के जाएं। बाहर एक नंबर की धूप हो रही है, और देखेंगे कि सनग्लास काम करता है या नहीं, इसका रिव्यू में बताएंगे और क्या खास बात है इसकी और क्या नुकसान वाली बातें हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो बात करेंगे दोस्तों इस हेलमेट के रिव्यू के बारे में, कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो काफ़ी मतलब लगभग 30-40 किलोमीटर इसको पहन के चला चुका हूँ, और क्या है इसका रिव्यू अभी मैं आपको दूंगा। तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी तो नहीं कहूँगा, कि थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। तो पहले बात करेंगे इसकी अच्छी बात के बारे में। तो ये जो आपको ये दिख रहा है इसका कवर, शेड कवर जो है, ये वैसे दिखने में थोड़ा मतलब फैंसी दिख रहा होगा कि भाई स्टाइलिश है, पर ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप ऐसे बाइक को चला रहे हैं और सर आपके ऊपर ऐसे आता है, तो ये आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है, आपकी आँखों तक जो है, यहाँ पे आँखों तक हमारे कुछ भी रोशनी नहीं पहुँचती सूरज की। तो इट इज़ अ मस्ट टू हैव थिंग इन एवरी हेलमेट, ये धूप से बचा लेता है। और बात करें इसके इस फर्स्ट वाइज़र की, तो ये इतना क्लियर है कि कई बार तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपने शील्ड डाउन करा हुआ है या नहीं किया हुआ है। और जो इसके नीचे का जो ये सनग्लास है, जो इसका सनग्लास है सेकंड वाइज़र, ये भी अपना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, धूप में आपको बिल्कुल भी सूरज की रोशनी लगने नहीं दे रहा, तो इट इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट थिंग। और जो अगली चीज़ है इसके, ये जो अंदर आपको कवर दिख रहा है, ये कवर जो दिख रहा है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ताकि अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसको रिमूव करके इसको धो भी सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको ये देखिए अभी करके दिखाएंगे, ये ऐसे अलग हो जाएगा, और बाद में आप इसको इसके ऊपर, एक्चुअली नीचे क्या है, ये दो चीज़ें मतलब तीन, काफ़ी सारी चीज़ें, 1, 2, 3, ये उसमें जाके हेलमेट के अंदर यहाँ पे जाके फिट हो जाती हैं, ये देखिए। तो अगर ये हेलमेट गंदा हो गया तो आप इसको निकाल के धो लीजिए। और बात करें वेंटिलेशन की, तो इसको लगाने के बाद पसीना वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसमें से काफ़ी हवा पास हो जाती है, आपको वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो फेस कवर है, पूरा हेड कवर, ये लगाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है।
ये जो हेड कवर है इसको लगाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। तो शुरू में आपको जब आप इसको डालेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर बाद में आदत हो जाएगी आपको। और जब इसको ऐसे हम पहन लेते हैं, जब इसको हम ऐसे पहन लेते हैं तो इसके ऊपर से जब हम हेलमेट ऐसे पहनते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब कहीं पे भी अटकता नहीं है हेलमेट, ऐसे करके इजीली आप उसको पहन सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट चीज़ जो प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कि जो इसका बेल्ट है क्लोज होने वाला, ये बिल्कुल ही सिंपल दिया गया है और कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है। जस्ट आपको पुल करना है, जस्ट आपको पुल करना है और इसको उठा देना है और ये अपने आप खुल जाएगा। और बंद करने के लिए सिंपली आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये अच्छी चीज़ है इसके बारे में। तो भाई मैंने इस हेलमेट को इवनिंग, एक जो अच्छी बात है, इसको मैंने इवनिंग में भी ट्राई किया और जो इसका जो विजिबिलिटी है मतलब काफ़ी हद तक अच्छा है। वैसे भी हमको इवनिंग में तो वाइज़र ऊपर करके ही चला लेना चाहिए हेलमेट, क्योंकि ज़्यादा क्लियर दिखेगा हमको। तो इवनिंग में इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। और इसको, इस हेलमेट को मैं लेने के लिए यहाँ पे लोकल शॉप्स में भी गया था, लोकल मार्केट में। तो सेम हेलमेट का जो प्राइस उन्होंने बोला, वो मेरे को बोला लगभग 2500 रुपीज़, और कम भी नहीं कर रहा था। तो अमेज़न पे था ये अराउंड 2000 रुपीज़ का। तो मैंने बोला उसको कि भैया थोड़ा कम करो, ऑनलाइन के प्राइस में दे दो कम से कम। तो बोला कि भैया इतने प्राइस में नहीं मिलेगा, और अगर आप लोकल शॉप्स में से ख़रीदेंगे तो थोड़ा बढ़ के ही मिलता है। सो आई परचेज इट फ्रॉम अमेज़न, और जो इसका परचेज़ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वहाँ से जा के आप इसको ख़रीद सकते हैं। बात करें अगर इसके मतलब कॉन्स के बारे में, इफ़ वी स्पीक अबाउट कॉन्स, तो इसको पूरा बंद करने के बाद भी, मेन वाइज़र को बंद करने के बाद भी, इसमें यहाँ से जो हवा एंटर होती है वो हमारे फेस तक पहुँच रही है। तो गर्मियों में तो ये अच्छी बात है, पर शायद अगर ठंड के टाइम में जब आप ड्राइव करेंगे तो वो आपको परेशान भी कर सकती है कि भाई फुल फेस हेलमेट के बावजूद भी इसके अंदर हवा आ रही है। तो ये एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा इसके बारे में। और नेक्स्ट चीज़ अगर जो और अच्छी हो सकती थी, इसका जो ये नीचे वाला सनग्लास है, जिसको सनग्लास प्रोटेक्शन कर रहा है, अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पर एकदम से अगर आप किसी बेसमेंट में एंटर कर रहे हैं, किसी भी मॉल की बेसमेंट में जा रहे हैं या फिर कुछ टनल है उससे आप क्रॉस हो रहे हैं, तो एकदम से जब आप उसमें एंटर होते हैं तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, आपको कुछ नहीं नज़र आता। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इसको लगा के चला रहे हैं तो टनल वगैरह से पहले अपना स्पीड स्लो कर दीजिए, क्योंकि एकदम से आप इसको ऐसे बंद होगा तो आप एकदम से इसको ऊपर भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू डील विद इट। तो इसको आप थोड़ा देख के यूज़ कीजिए, जो नीचे वाला जो सनग्लास वाइज़र है इसको थोड़ा देख के यूज़ कीजिए। एक और जो इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, वो है कि अगर आप इसको मतलब पहन के ड्राइव कर रहे हैं, पहन के अगर आप ड्राइव कर रहे हो और एकदम से आप अगर ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा शेकी हो जाता है, मतलब अराउंड 70-80 की स्पीड पे अगर आप उसको एकदम से पीछे देखते हैं या कुछ करते हैं तो थोड़ा हेलमेट जो है शेक करेगा। और मतलब मैंने 70 की स्पीड में ट्राई किया तो थोड़ा सा होता है कि भाई एकदम से हवा ऐसे आ रही है तो वो पूरा उसको क्रॉस कर रहे हैं हम, तो थोड़ा शेक करेगा। ऐसे नॉर्मल अगर आप गर्दन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं चलाते चलाते, तो यू कैन डू इट। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट कि भाई आप एकदम से पीछे ना मुड़ के देखें, थोड़ा सा ये मिसबैलेंस हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो ये था दोस्तों इस हेलमेट के रिव्यू के बारे में पूरा वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, कि डेफिनेटली आई विल आंसर टू देम। और आई होप कि इस वीडियो को देख के आप अपना कोई डिसीजन बना सकते हैं, आई सजेस्ट टू बाय दिस हेलमेट, क्योंकि मेरे को भी इसका ओवरऑल अगर देखा जाए मतलब 2000 के रेंज में तो इट इज़ अ गुड हेलमेट। और You can share this video with your friends who are planning to purchase any helmet. It can be helpful to them. So thanks for watching the video, and don't forget to subscribe to the channel Tech Travel and Nature. Bye bye.